जैसे कि कस्टमर आते हैं, प्रोडक्ट लेके जाते हैं और चेक देते हैं। कैश एक्टिविटीज आजकल मतलब ब्लैक मार्केटिंग में जाता है, और जो चेक रहता है वो गवर्नमेंट की नज़र में मतलब एक रिकॉर्ड के तौर पर। और जैसे कि इसमें वो हैंड टू हैंड का जो है ऑन द स्पॉट, तो वो हिसाब से। और जज़ाकल्लाह खैर, ये एक बहुत अहम सवाल है। सवाल क्या है कि अगर कोई शख्स चेक पे पेमेंट कर रहा है, मिसाल के तौर पर किसी ने 50 ये कप्स लिए और कह रहा है मैं चेक से पेमेंट दूंगा, चेक से पेमेंट 2-3 दिन बाद मिलेगा, जायज़ है ना जायज़ है? हाँ जायज़ है ना, सोना नहीं, क्लियर कट जायज़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि ये समन है कि मुसमन है, प्राइस है या प्राइस लगाई हुई चीज़ है, प्राइस लगाई हुई चीज़ है, मुसमन है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अंदर एक महीने बाद कोई क्रेडिट पे पेमेंट देगा, इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट देगा, हाँ आधा अभी आधा बाद में देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब समन की बात होती है, यानी कि सोना और चांदी, और जो उस ज़माने की हमने देखा कि 6 चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, तो जब समन की चीज़ है, सोना चांदी की बात है, तो इसमें कायदा क्या है? यदन बियदिन, हैंड टू हैंड।